अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं रोड पर टिक्की रेसिपी लेके आई हूँ। रमज़ान आने वाले हैं, चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मैंने मैदा लिया हाफ के जी, इसमें मैंने नमक आधा चम्मच डाला, ठीक है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, इसको मैंने गून लिया। गून के मैंने आधा घंटे के लिए रख के इसको छोड़ दिया। ये देखिए मैंने इसको गून लिया, इसको आधा घंटे के लिए रख दिया। अब इनके छोटे छोटे पेड़े कर लेंगे, जैसे हम आलू की रोटी के पेड़े करते हैं। फिर इसको बेलेंगे, इसकी रोटियाँ बेल लेंगे सारी एक साथ। फिर हमने इसकी 5 रोटियाँ एक साथ बेलनी है, ठीक है। पहले एक रोटी के ऊपर ऑयल लगाना है, फिर खुश्क आटा लगाना है, फिर दूसरी रोटी डालनी है, फिर ऐसे आटा और क्या कहते हैं ऑयल लगाना है, फिर दूसरी रोटी, फिर तीसरी रोटी, ऐसे 5 रोटियाँ डाल के फिर हम बेल लेंगे। रोटी तैयार कर लेंगे, जो एक्स्ट्रा रोटी के ऊपर जो किनारे हैं वो हम उतार लेंगे और इसे तवे हल्की की आंच में पकाएंगे। और फिर इसको अलहदा अलहदा पट्टी को कर लेंगे और बड़ी ज़बरदस्त ये हमारी होम मेड पट्टी तैयार हो जाएगी। इसको हम फ्रीज़ कर लेंगे, रमज़ान में ये हमारी फ्रीज की हुई पट्टी हमारे काम आएगी। रमज़ान आने वाले हैं, मैं इसलिए आपके लिए स्पेशली रेसिपी लेके आई हूँ। इसकी फिलिंग के लिए मैंने पास्ता लिया था, ठीक है, और चिकन लिया और बंद गोभी लिया। इसको मैंने बॉयल कर लिया, बंद गोभी मैंने लास्ट में ऐड की है, ठीक है। और इसमें थोड़ी सी काली मिर्च ऐड की थी और सिरका ऐड किया था और नमक ऐड किया। ये 3 चीज़ों से मैंने इसकी फिलिंग तैयार की है। अब मैंने इसके रोल पट्टी बना ली, मैं कह चले आपको ट्राई करके खाती हूँ। तो मैंने ये फ्राई कर रही हूँ, मैं कह फ्राई करके आपको दिखाऊँ कैसी मज़ेदार बनती है रोल पट्टी। ऐसी आप रमज़ान में बनाएं और मज़े लें दस्तरखान की शान। ये रोल पट्टी ज़बरदस्त, बाजार से भी ज़्यादा अच्छी है। देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी रोल पट्टी तैयार हुई है, रोल हमारे ज़बरदस्त तैयार हुए हैं। ये देखिए कितने कुरकुरे कुरकुरे आवाज़ आई आपको, कितना ज़बरदस्त बने। अंदर इसकी फिलिंग देखें, बस दुआओं में याद रखें मुझे, ठीक है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी वीडियो शेयर करें, लाइक करें, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो में आया करें। ओके जी, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।